टर्की और ग्रीस का तकरीबन 1919 से लेकर 2023 हो गया, तकरीबन 100 साल का इनका डिस्प्यूट चल रहा है। इट ऑल स्टार्टेड विद अ ड्रीम। दे सेड इट वाज इम्पॉसिबल। नाउ लेट मी टेक यू ऑन अ जर्नी फिल्ड विद फेलियर्स, स्लीपलेस नाइट्स, एडवेंचर्स, ग्रोथ एंड अचीवमेंट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। माय नेम इज़ आदिल समी। आज की वीडियो में जिस चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, एज वी ऑल नो, पिछले हफ्ते जो है तैयब एर्दोगन साहब को 6 साल बाद उन्होंने एथेंस का चक्कर लगाया, मतलब कि 6 साल बाद ग्रीस गए। मगर इस टॉपिक को हम आप 2 मिनट के लिए साइड पर रखें। आई विल स्टार्ट विद माई जर्नी कि मेरी फैमिली कहाँ से चली, अब क्या है, फिर हम इस टॉपिक को जोड़ेंगे। देखिए, 1947 में मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो इंडिया से चले। ठीक है, मैं अपनी बात करूं तो देखें, मेरी पैदाइश जो है पाकिस्तान की है, मगर मेरे फोर फादर जो हैं वो इंडिया से चले थे 1947 में। होशियारपुर में रहते थे, वहाँ पे अपना कारोबार था, अपना कत्थे का कारोबार करते थे, अपने जंगलात थे टबैको के। मगर जब ये पार्टीशन हुआ तो सब छोड़ छाड़ के एक मज़हब के लिए वो पाकिस्तान आ गए। वहाँ से हज़ारों लोग इंडिया से चले और चंद सौ लोग, या मैं कहूँ कि चंद लोग सिर्फ पाकिस्तान पहुँचे। अनफॉर्चुनेटली रास्ते में बाकी सेक्रीफाइस हो गए रिलीजन के लिए, एक आइडियोलॉजी के लिए। ठीक है, अब अगर हम इसी से जोड़ते हैं कि टर्की और ग्रीस का तकरीबन 1919 से लेकर 2023 हो गया, तकरीबन 100 साल का इनका डिस्प्यूट चल रहा है। 1919 से में इनकी लड़ाई शुरू हुई थी, ठीक है, जो कि 4-5 साल चली। ग्रीक्स जो हैं वो इज़मीर तक आ गए थे और आगे बुर्सा, एस्पिशहिर और काफ़ी सारे शहरों में जाकर इन्होंने तबाही की थी। फिर जो अतातुर्क साहब थे उन्होंने इंटरवीन करके इस जंग को रोका और जंग को जीता। ठीक है, और फिर ट्रीटी ऑफ लुजैन हुई 1923 में, जो कि अभी कुछ महीने पहले ख़त्म हुई है। अब देखिए, दो चीज़ें क्या हैं, अब तैयब एर्दोगन साहब का जाना ग्रीस इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। देखिए, हमसे पुरानी इनकी जंग थी, टर्की ने ग्रीस को 400 साल रूल किया। बट देखिए, 100 साल से जो तलखियां आ गई थी एक स्ट्रॉन्ग लीडर के आने से, तैयब एर्दोगन साहब और उनके जो पीएम हैं उन्होंने डिसाइड किया कि देखिए हम इन तलखियों को साइड पर रखते हैं, एक हारमोनी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ आगे चलते हैं। बायलेटरल बहुत सारी ट्रेड के ऊपर बात हुई, बायलेटरल पॉलिटिक्स के ऊपर बात हुई, एक दूसरे को सपोर्ट के ऊपर बात हुई, एज ए गुड नेबर सपोर्ट करने के ऊपर बात हुई। और जो सबसे एक बड़ी न्यूज़ है और जो बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है कि टर्किश लोगों को एक एक साल का वहाँ का इजीली रेजिडेंस परमिट मिल सकता है, वीज़ा मिल सकता है, जो कि ग्रीस के काफ़ी सारे आइलैंड्स पे जाके वो वहाँ पे जाके ज़िंदगी गुजार सकते हैं और टूरिज़म पर्पज़ के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, पर देखिए ऐसा क्यों हुआ, दोनों मुल्कों को पता है कि देखो लड़ाई से कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया इस वक्त लड़ रही है। क्या हो गया इसराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई में, यूक्रेन रशिया की लड़ाई में, लड़ाई में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी हासिल नहीं है। ठीक है, तो दोनों ने ऑन द टेबल बैठकर इसको फाइनलाइज कर दिया कि देखिए बीन एज ए गुड नेबर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं फिर ये हमारे लोगों से बात करता हूँ कि वाई नॉट हम पाकिस्तान और इंडिया के, हम क्यों नहीं बढ़ सकते। रीज़न हमारे मफाद अलग है ना, उनके पास भी एक बड़ा लीडर नहीं आया, हमारे पास जो आया था हमने उसको उठा फेंका। तो इसी तरह ही होता है, जब ज़ाती मफाद आ जाता है ना तो हम एक बड़े मफाद को भूल जाते हैं और अपने छोटे छोटे चिंदी चीज़ों पे लग जाते हैं। इसी तरह ही हमारे मुल्कों में हो रहा है और इतने सालों से यही हो रहा है। तो देखिए, जब आपको एक बड़े विजन पर जाना है, यू हैव टू सी फॉर द पब्लिक, आपको लोगों को देखना है, आपको मासेस को देखना है। इसी लिए ही तो एर्दोगन को इस सेंचुरी का वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स कहा जाता है। मुल्क को कहां से कहां खींच के ले आया 20-25 सालों में, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई। सो दैट्स हाउ इट इज़, यू नो, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। सो इससे हमें क्या है कि देखिए, और बहुत बड़ी खुशखबरी भी उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं कि टर्किश पासपोर्ट हासिल करें, तो देखिए दैट्स फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स शेंगन रीजन। ठीक है, पिछले 30 सालों से टर्की उस लाइन का पार्ट है, पिछले 10 सालों से बीन एज एन कैंडिडेट इसको मैनेज किया जा रहा है, और हो सकता है एज अ स्मॉल स्टेप, एज अ जेस्चर जो है इसको देखा जाए, और आगे वाने एक साल में आप ये भी देख सकते हैं कि टर्की और शेंगन एरिया एक साथ मिल जाए, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट मेंबर्स है नेटो का। तो तब क्या होएगा, तब ये होगा कि आज जो हम 37 या 34 नंबर पे हमारा पासपोर्ट है, तो हम वन ऑफ द टॉप पासपोर्ट्स में से चले जाएंगे। ठीक है,
हमें, क्योंकि हमें पूरे शेंगेन 27 मुल्कों का एक एक्सेस मिल जाएगा वीज़ा फ्री। तो इसी तरह दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। तो बाकी कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी कंसर्न हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आप वीडियोज़ के थ्रू देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। एंड सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।